Hello CSIR NET students. Now today's recalling questions is the which gene is responsible for the development of stylopod, zygopod and otopod. Stylopod, zygopod and otopod बनाने के लिए कौन सा जीन responsible होता है? तो इस questions को हम लोग जो है क्या होता है स्टाइलोपोड, जिगोपोड, ऑटोपोड ये समझते हुए आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और आप लोग की रिकॉलिंग भी इस तरीके से हो जाएगी. सो नाउ लेट्स सी योर हैंड. आप अपने हाथ को देखिए, ठीक है? हाथ को देखा होगा आप लोगों ने, पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो ये वाला जो पोर्शन होता है इनकेस ऑफ हैंड क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस बोलते हैं. और इनकेस ऑफ पैर क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं. और यहाँ से यहाँ तक वाला जो पोर्शन होता है वो हैंड के केस में क्या कहलाता है? रेडियस और अल्ना कहलाता है, जबकि पैर के केस में क्या कहलाता है? टीबिया और फेबुला कहलाता है. ये वाला जो रीजन होता है, रिस्ट रीजन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कार्पेल बोन्स प्रेजेंट होता है और ये वाला जो हमारा फेलेंजेस बन रहे होते हैं दैट इज द मेटाकार्पल बोन यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो ये वाला जो हमारा इन केस ऑफ हैंड एंड इन केस ऑफ लिंब जो होता है, पैर जो होता है वो ह्यूमरस और फीमर होता है, तो ये वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टाइलोपोड, चाहे वो पैर के केस में लीजिए या फिर हैंड के केस में लीजिए, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन होता है स्टाइलोपोड. उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक का वो होता है जिगोपोड. जिगोपोड के बाद ये वाला जो होता है कार्पेल एंड मेटा कार्पेल वाला जो पोर्शन हो जाता है हमारे हैंड में, ये वाला पोर्शन कहलाता है ओटोपोड, ठीक है? तो हम जो ये स्टडी कर रहे हैं कि हमारा स्टाइलोपोड बन रहा है, हमारा जिगोपोड बन रहा है, हमारा ओटोपोड बन रहा है, इस एक्सिस को बोलते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस. तो आप ऐसे यूज ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, कि प्रॉक्सिमल वाला एंड ये हुआ और डिस्टल वाला एंड ये हुआ. तो आपका जहाँ से हाथ की शुरुआत होती है और वो दूर तक जाता है, डिस्टल दूर तक जाना, ठीक है? तो दूर वाला जो रीजन होगा दैट इज द ऑटोपोड और जो प्रॉक्सिमल यानी पास वाला जो रीजन होगा उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है? तो अब चलते हैं इसको हम लोग थोड़ा और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के फॉर्म में. यहाँ इस तरीके से आप देखिए, ये वाला रीजन ह्यूमरस, स्टाइलोपोड, अल्ना, रेडियस किस तरीके से दिखता है बोन देख सकते हैं, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं? जिगोपोड बोलते हैं. और ये वाला पोर्शन मेटाकार्पल्स एंड डिजिट्स के फॉर्मेशन होते हैं इस तरीके से, दैट इज द ओटोपोड कहते हैं. अब याद रखिएगा क्या, स्टाइलोपोड को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज हॉक्स 9 and 10, ठीक है? स्टाइलोपोड बनाने के लिए 9 and 10 जीन जो है रिस्पॉन्सिबल है. जिगोपोड बनाने के लिए हॉक्स 11th जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है? और ऑटोपोड बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज हॉक्स 12 and 30, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि आपके स्टाइलोपोड बनाने के लिए हॉक्स 9, 10 रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि आपका ह्यूमरस बने या फिर फीमर बनेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा जीन होगा? 9 and 10, ठीक है? उसके बाद जिगोपोड यानी कि अल्ना या रेडियस बनेगा या पैर के केस में टीबिया या फेबुला बनेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हॉक्स 11 जीन, ओके? नाउ मेटाकार्पल्स, ठीक है, एंड डिजिट्स बनेंगे तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, वो कौन जिसका जीन होगा? हॉक्स 12 and 13. तो हम लोगों ने इस तरीके से क्या जाना कि स्टाइलोपोड, जिगोपोड, ऑटोपोड बनाने के लिए कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है. और ये भी जाना कि स्टाइलोपोड किसको किसके बारे में चर्चा हो रही है? ह्यूमरस एंड फीमर के बारे में चर्चा हो रही है. जिगोपोड अल्ना, रेडियस, टिबिया, फिबुला के बारे में चर्चा हो रही है. मेटाकार्पल्स, उसके ऑटोपोड में क्या चर्चा हो रही है? कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स की चर्चा हो रही है. तो ये बातें आपको समझ में आई. अब क्वेश्चन एक तो ऐसे फॉर्मेट में आता है कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है स्टाइलोपोड, जिगोपोड एंड ऑटोपोड बनाने के लिए. उसके बाद म्यूटेशन केस आता है. तो म्यूटेशन केस इज नॉट सो मच हार्ड, ठीक है, बहुत ही सिंपल है. म्यूटेशन केट में केस में क्या आपको देखने को मिलेगा? जो चीज आप है ना, जो चीज जिसके कारण बन रहा है, अगर वो चीज डिलीट हो जाए तो क्या वो चीज बनेगा? नहीं बनेगा. तो सिंपल सी बात है कि अगर हॉक्स 9 और 10 जीन में म्यूटेशन अगर हो जाए तो ना ही ह्यूमरस बनेगा और ना ही पैर के केस में फीमर बनेगा, तो स्टाइलोपोड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं. यदि यहाँ पे म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? नो स्टाइलोपोड, ठीक है, स्टाइलोपोड नहीं बनेगा. यदि हॉक्स 11 जीन में म्यूटेशन हो जाए तो नो, यहाँ पे म्यूटेशन केस है, ठीक है, दिख रहा होगा.
म्यूटेशन केस यदि हॉक्स 9 और 10 जीन जो है नहीं होगा नॉकआउट कर दिया जाए, क्वेश्चंस आता है कि इफ हॉक्स 9 एंड 10 जीन आर नॉकआउट देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या होगा, तो अगर गायब कर देंगे इसके कारण जो चीज बन रहा था वो चीज बनना बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे स्टाइलोपोड बन रहा था 9 10 के कारण और 9 10 को हमने हॉक्स जीन को हटा दिया, तो क्या स्टाइलोपोड बन पाएगा? ऑब्वियसली नहीं बन पाएगा। सो दूसरे केस में जिगोपोड 11 हॉक्स 11 जीन के कारण बन रहा है, लेकिन यदि हॉक्स 11 जीन को ही हम हटा दें तो क्या जिगोपोड बन जाएगा, बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे यदि म्यूटेशन केस की बात करें तो जिगोपोड जो है नहीं बनेगा, ठीक है। यदि हॉक्स 12th और 13th जीन के कारण जो है आपको डिजिस्ट फॉर्मेशन हो रहे हैं, मेटाकार्पल्स कार्पल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यदि इस जीन को हम नॉकआउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो क्या ये जीन बनाएगा ऑटोपोड को? नहीं, फिर यहाँ पे जीन है ही नहीं तो ऑटोपोड कैसे बनेगा। तो इन दिस केस, इन द म्यूटेशन केस व्हेन हॉक्स 12 एंड 13 जीन आर नॉकआउट देन नो फॉर्मेशन ऑफ ऑटोपोड, तो नो ऑटोपोड फॉर्मेशन, इस तरीके से ऑटोपोड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस कि कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑटोपोड स्टाइलोपोड एंड जिगोपोड बनाने के लिए। तो योर आंसर इज द हॉक्स 9 एंड 10 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टाइलोपोड एंड हॉक्स 11 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जिगोपोड एंड द हॉक्स 12th एंड 13 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोपोड। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपका जो है रिकॉलिंग हुआ होगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे नए हैं उसको ये चीज़ें पता हुई होंगी। चलिए।